नमस्कार दोस्तों एग्री एडवाइज़ में मैं सतीश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों धान में खरपतवार धान की रोपाई करने के बाद हम खरपतवार ना देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उग जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में यदि खरपतवार आपके खेत में उग गए हैं तो काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाते हैं एक तो नुकसान ये होता है कि खरपतवार जो है जो हम उर्वरक देते हैं वो पौधों को ना मिल करके खरपतवार ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा ले लेते हैं जिससे हमारा पौधा कमज़ोर हो जाता है और खरपतवार ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और पौधे की ग्रोथ टेलरिंग विकास पूरी तरह से ठप हो जाता है दूसरी चीज यह है कि यदि हम इसको खेत से बाहर नहीं निकालते हैं। तो जब बड़े हो जाते हैं तो खरपतवार होने से चूहे भी हमारे खेत में अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरी चीज़ जो कीट होते हैं यदि हमारे खेत में खरपतवार उगे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कीट हमारे धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो कई सारे नुकसान होते हैं यदि हमारे खेत में खरपतवार खड़े रहते हैं तो इनको निकालना ज़रूरी होता है यदि हम निकाल देते हैं तो हम अच्छे धान की पैदावार भी ले पाएंगे और हमारे खेत में जो कई तरह के नुकसान होते हैं उनसे भी बचाव हो पाएगा जो उर्वरक देंगे वो पूरी की पूरी मात्रा हमारे पौधे को मिलेगी लेकिन इससे बेटर तरीका है जो पारंपरिक तरीका है वो दोस्तों है निराई करना यदि हम निराई कर देते हैं तो सबसे अच्छा है लेकिन लंबे खेत बड़े स्तर पर इस धान की खेती करने वाले किसान भाई निराई कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी अधिक लागत आती है और खेत धान के खेत में दो से तीन बार निराई करने की आवश्यकता होती है लेकिन यदि आप छोटे स्तर पर कम खेती कर रहे हैं तो सबसे बेटर रहेगा कि आप निराई कर दें निराई करने से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है उसमें चौड़ी पत्ती वाले सकरी पत्ती वाले के या किसी अन्य तरह के खरपतवार होते हैं वो आप आसानी से बाहर निकाल देंगे और बाहर निकालने के बाद जो पौधा है उसमें मिट्टी भी कुछ खेत में पलट जाती है जिससे पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं अच्छी तरह से विकास होता है और मिट्टी पलट जाने पर जब हम उर्वरक आदि देते हैं वायु संचार जो होता है वो अच्छी तरह से होता है जिससे पौधा और अच्छी तरह से ग्रोथ करता है लेकिन निराई कर पाना वहीं पर संभव नहीं होता है जो लंबे स्तर पर किसान भाई धान की खेती करते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका रहता है कि खरपतवार नासिका का यूज़ करें अब कौन से खरपतवार नासिक का यूज़ करें जिससे हमारे धान की फसल को भी नहीं नुकसान पहुंचाए और धान में खरपतवार जो हैं वो आसानी से कंट्रोल हो जाएं दो चीज़ों का ध्यान रखना है दो दवाओं को हम यहाँ पर बता रहे हैं दोनों काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं एक दवा दोस्तों है यदि आपके खेत में केवल चौड़ी पत्ती वाले और मोथा जैसे खरपतवार हैं तो आप इस दवा को यूज कर सकते हैं इसका नाम है मेटा सल्फ्यूरान मिथाइल दस परसेंट क्लोम्यूरान दस परसेंट ये दवा काफ़ी अच्छी है जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनको आसानी से कंट्रोल कर लेती है मोथा आदि को आसानी से धान में कंट्रोल कर लेगी लेकिन इस दवा का आप तभी यूज करें जब मोथा में फूल ना आया हो यानी तीन से चार पत्तियों का मोथा हुआ हो या अन्य जो खरपतवार हैं वो तीन से चार पत्तियों के हों तभी आप इस दवा का यूज करें इसकी मात्र आठ ग्राम डोज ही एक एकड़ में पर्याप्त रहती इसके साथ स्टीकर मिला लेने से काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलता है और इसके साथ साथ आपको कट नोज़ल का यूज करना है कट नोजल का यूज़ करेंगे और स्टीकर मिला करके स्प्रे करेंगे तो ये दवा और भी काफ़ी अच्छे तरीके से खरपतवार को नियंत्रण कर लेती है लेकिन ये दवा जो है केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को ही आसानी से नियंत्रण करती है तो यदि आपके खेत में केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तब आप इसको यूज कर सकते हैं खेत से पहले पानी आपको बाहर निकाल देना है उसके बाद स्प्रे कर देना है स्प्रे करने के छ छः से आठ घंटे का बाद भी बारिश हो जाती तब भी ये दवा आसानी से मोथा और चौड़ी पत्ती जैसे खरपतवारों को कंट्रोल कर लेती है लेकिन इसके अतिरिक्त दोस्तों चौड़ी पत्ती के अतिरिक्त बहुत से किसानों के खेत में सकरी पत्ती वाले भी खरपतवार उग जाते हैं तो उसके लिए ये दवा असरकारक नहीं रहेगी उसके लिए आपको दूसरी दवा यूज करनी पड़ेगी जिसका नाम है बिस्पायरीबैग सोडियम दस परसेंट ए सी बिस्पायरीबैग सोडियम दस परसेंट एस सी जो है काफ़ी अच्छे से धान में काम करती है और धान की फसल में चौड़ी पत्ती वाले सकरी पत्ती वाले दोनों तरह के खरपतवारों को कंट्रोल कर लेती है इसकी यदि आपके खेत में कम खरपतवार उगे हैं तो अस्सी एम एल मात्रा प्रत्येकड़े यूज कर सकते हैं खरपतवार होने पर सौ एम प्रति एकड़ आप स्प्रे कर सकते हैं दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है तभी ये दवा अच्छे से काम करेगी एक चीज़ दोस्तों बारिश होने की संभावना तो वैसे भी बरसात के समय में होती है तो आप स्टीकर मिला लें जिससे ये अच्छी तरह से काम करे दूसरी चीज़ है धान में जो चौड़ी पत्ती वाले सकरी पत्ती वाले खरपतवार उगते हैं वो तीन से पाँच पत्तियों के बीच में हो तभी आप इसको स्प्रे करें स्प्रे करने के पहले आपको खेत से पानी निकाल देना है और पानी निकालने के बाद स्प्रे करने के दो से तीन दिन बाद तीन से चार इंच तक एक हफ्ता तक लगभग पानी भर के रखना है जिससे दवा आसानी से खरपतवारों को गला करके और हटा देगी तो इस दवा का आप यूज कर सकते हैं मेटासल्फ्यूरान मिथाइल और क्लोरोम्यूरान का भी यूज कर सकते हैं जैसे आपके खेत में खरपतवार हो। सबसे अच्छी बात है ये धान में किसी तरह की दोनों दवाएं नुकसान नहीं करती हैं लेकिन यदि आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले या सकरी पत्ती वाले खरपतवार काफ़ी बड़े हो जाते हैं तब इन दवाओं को यूज़ करेंगे तो उसका इतना बेटर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि जितने बड़े खरपतवार होंगे उतनी डोज आपको बढ़ा कर देनी पड़ेगी और अधिक डोज बढ़ाने पर आपके धान में भी कुछ हद तक असर दिखाई पड़ेगा यानी नुकसान दिखाई पड़ेगा तो सबसे बेटर है कि तीन से पाँच पत्तियों के बीच में ही खरपतवार हों उसी समय आपको इन दवाओं का यूज कर लेना है और सही तरीके से यूज करेंगे छः से सात घंटे के बाद यदि बारिश भी हो जाती है तो ये दवाएँ अपना काम आसानी से कर लेती हैं और धान में किसी तरह का नुकसान नहीं होता है तो आशा करते हैं दोस्तों यदि आपने धान की बुआई की है इन बातों का ध्यान रख के और जो दवाएँ मैंने बताई है इसमें से आप अपने अनुसार यूज करेंगे तो ज़रूर लाभ मिलेगा मिलते हैं नई जानकारी में